हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको अपने इमेज को इनपुट कर लेना है, जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं गर्ल्स का इमेज इनपुट कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा ये इमेज आ चुका है स्क्रीन पर, भी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने इमेज को इस तरीके से आपको जूम करके स्क्रीन पर सही तरीके से आपको इसे एडजस्टमेंट कर लेना है। फिर आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसके लेंथ को कुछ इतना आपको खींच के बढ़ा लेना होगा, कुछ इतना आपको कर लेना है। तो इतना हमारा हो चुका है बन के तैयार। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट को इनपुट करना होगा। सो गाइस, हम उसे इनपुट कर लेते हैं। आपको सभी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा, आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको इसे कर लेना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इनपुट कर लेना है। तो हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, आपको नीचे का ऑप्शन मिला क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और गाइस, आपको इसे इनेबल कर देना है। और आपका जो की कलर होना चाहिए वो गाइस ग्रीन कलर होना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो देख लीजिए गाइस, हमारा इतना स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। और इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है आपको कट कर लेना है। तो आपको अपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है, तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट वो कट के हट जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो हमारा वीडियो सेव हो रहा है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, तो आपको भी सेव कर लेना है। तो देख लीजिए गाइस, हमारा वीडियो सेव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है अपने काइंड मास्टर के होम स्क्रीन पर। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना खुद का इमेज को इनपुट कर लेना है। सो गाइस, मैं अपने इमेज को इनपुट कर लेता हूँ, तो आपको भी कर लेना होगा। तो मैं अपने इमेज को ढूंढ लेता हूँ। ऐसे ही हमारा इमेज स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने इमेज को जूम करके आपको स्क्रीन पर सही तरीके से आपको इसे एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड कैसे आपको इसके बाद क्या करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा और इसके लेंथ को खींच के कुछ इतना आपको बढ़ा लेना होगा। फिर आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपने स्टार्टिंग पर जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को इनपुट करना होगा। तो गाइस, हमारा वीडियो आ चुका है, भी आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने इमेज को जो पीछे का फालतू पार्ट मैं कट कर लेता हूं, तो आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। और आपका जो की कलर होना चाहिए वो गाइस ब्लू कलर होना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा और गाइस, आपको यहां से एडजस्टमेंट कर लेना सही तरीके से। फिर कैसे हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है, अभी मैं इसे टिक पर क्लिक कर लेता हूं और हमारा स्टेटस इतना बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट को इनपुट करना होगा। सो कैसे हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन
में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, आपको नीचे मिल जाएगा। एंड गाइस आपको इसे कर लेना है स्क्रीन, तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसको जो पीछे का फालतू बड़ा आपको कट कर लेना है, कैंची के ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। सो गाइस हम इसे इनपुट कर लेते हैं। तो ये गाइस हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो फाइनली मेरा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइज आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इमेज का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइज आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।